नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, हम अपने क्षेत्र की कोई भी चाहे समस्या हो, समाज की समस्याएं या कोई इस तरह का कोई उत्कृष्ट उत्कीर्ण कार्य है जिससे कि समाज में कुछ किसी को लाभ मिले हमारे दर्शकों को, तो ऐसे एक आज प्रोग्राम कार्यक्रम किया गया था यहाँ पे गाँव बासदुद्दा में स्कूल RBR में। यहाँ एक कैंप लगाया गया था आंखों का, और किस उपलक्ष्य में लगाया गया था, एक बच्चे के जन्मदिन पर उनके नाना ने ये कार्यक्रम रखा था। तो एक समाज में कितनी अच्छी एक पहल इन द्वारा की गई है, और इन स्कूल के जो भी प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल के जो भी मालिक हैं, उनका भी इसमें काफी सहयोग रहा, और इस क्षेत्र के जो भी समाज सेवी हैं उन सब का भी इसमें योगदान रहा, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और इनको मोटिवेट भी किया और लोगों से भी मिले। तो हम बात करवाते हैं इन स्कूल के प्रिंसिपल से, उनसे कि किस तरह से प्रोग्राम उन्होंने किया और कितने क्या मरीज आए, पूरी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर पहले तो अपना परिचय दें और उसके बाद बताइए जो कार्यक्रम रखा है। RS निनानिया प्रिंसिपल RBR और एक्स फैकल्टी PCP सीकर। RBR संस्थान के प्रांगण में आज एक निशुल्क आंखों की जांच का एक कार्यक्रम आयोजन हुआ। भाई बालकिशन कोराना जो कि एक समाज सेवी है, और मैं तो ये कहूँगा समाज सेवी नहीं, वो क्षेत्र के वो इंसान है जो क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं बिना निस्वार्थ के भावना से, उन्होंने आज का ये आयोजन किया कैंप का। भाई बालकिशन समाज सेवी ने दो दिन पहले मेरे सामने एक विचार रखा कि प्रिंसिपल सर अपने नवासे के जन्मदिन पर, जो उनका दोहिता, उसके जन्मदिन पे मैं एक छोटा सा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम रखना चाहता हूँ। तो मैंने उस समय एक ही वर्ड कही कि आपकी सोच से आपका दिल बड़ा है, आपकी सोच भी बड़ी और आपका दिल भी बड़ा है, मतलब आपका दिल भी बड़ा है और सोच भी बड़ी है। तो मैंने कहा आपने इतनी अच्छी सोच रखी, और मैंने इसको कहा कि हम जो हमारी टीम RBR संस्थान की टीम और हम आप सब मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आज RBR संस्थान के प्रांगण में निःशुल्क आँखों की जाँच का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 के आसपास 150 मरीज अपनी आँखों की निःशुल्क जाँच कराई। यहाँ डॉक्टर कुमार रेवाड़ी से उनकी टीम आई हुई थी, जिन्होंने पेशेंट्स की, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो पेशेंट आई थी, उनकी आंखों की मशीनों से, टेक्निकल मशीनों से चेक की, और जो मेडिसिन वगैरह जो भी था वो अवेलेबल कराया। उसके अलावा भाई बालकिशन ने जिन लोगों के चश्मे की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिनको चश्मों की जरूरत थी, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चश्मे भी वितरण किए हैं। और मैं ऐसे लोगों से बड़ी, मतलब कहते हैं ना, एक बड़ा एक खुशी फील होती है जो अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं और करना चाहते हैं। भाई बालकिशन ने आज एक और बात बताई कि सर आने वाले समय में हम एक हेल्थ चेकअप भी करेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप भी। तो मैं ऐसे विचारों के अपने भाई बालकिशन को हमेशा तय दिल से इनका जो तय दिल से हमेशा इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि RBR शिक्षण संस्थान के प्रांगण में इन्होंने ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया, और कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम के हम भी एक हिस्सा रहे। और जैसा कि आने वाले समय में भी RBR शिक्षण संस्थान हो, चाहे भाई बालकिशन कोलाना हो, चाहे हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, सभी को मिलकर इस प्रकार के प्रोग्रामों को आयोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो मूलभूत चीजें जो लोगों तक नहीं मिल पाती, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे शिक्षा की चीजें हो, हमारी ड्यूटी बनती है उन चीजों को वहां तक पहुंचाने के लिए। तो मैं भाई बालकिशन का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी बने हुए बालकिशन जी, जिन्होंने ये पहल की है, एक समाज को एक संदेश दिया है कि बर्थडे या इस तरह का कोई भी हम खुशी का जो माहौल होता है, जो खुशी का कार्यक्रम होता है, तो उसे इस प्रकार मनाएं ताकि और भी आम जन को इसका फायदा हो और एक अच्छी पहल समाज को मिले। तो हम बात करवाएंगे बालकिशन जी से, जो कोलाना से हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत खुशी हुई आपकी इस तरह की एक पहल को लेकर। सर धन्यवाद। मैं बालकिशन कोलाना SC मोर्चा मंडल अध्यक्ष खोड़, और मेरे दिल में एक विचार आया, मैं अपने दोहिते के जन्मदिन पर कुछ ऐसा काम करूं जो मेरे समाज में और मेरे इलाके में मैं जागरूक हूं, ताकि समाज में नाम हो, हर इंसान बढ़ चढ़ के आगे भाग ले। हम जन्मदिन तो अपने अपने रिश्तेदारों के, बच्चों के, हर जगह मनाते हैं, परंतु वो जन्मदिन मनाने का एक बड़ा जरिया होता है खाने का, एक हमारी दुआएं होती हैं किसी बूढ़े बड़े जवान की, जब आँखों का चेकअप। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं, मैं अनिल पुरोहित जी मानन से हमारे बीच पहुंच गए हैं, और ये हमारे लिए बहुत खुशी का पल है कि कहीं ना कहीं महाराज जी ने अपना मूल्यवान टाइम हमें दिया, और आज का जो निःशुल्क आंखों का जो कैंप है, समाज सेवी भाई बालकिशन कोलाना अपने नवासा सिद्धार्थ के जन्मदिन के उत्सव पर आज का जो कैंप का जो आयोजन किया है, आज बताओ
आरबीआर शिक्षण संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर से अनुरोध करूंगा कि डायरेक्टर मैडम मुकेश यादव जी को पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया जाए, क्योंकि आरबीआर शिक्षण संस्थान उन्हीं के संरक्षण में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं डायरेक्टर मैम मुकेश मैम को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी फीमेल स्टाफ फैकल्टी मेंबर स्टेज पर आ जाइए और डायरेक्टर मैडम को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया जाए। कहीं ना कहीं डायरेक्टर मैडम का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, कहीं ना कहीं उन्हीं के संरक्षण में आरबीआर संस्थान आगे बढ़ रहे। सभी अतिथिगण स्टेज पर आए और साइड होके सर, साइड होके फोटो आ जाएगी। सर थोड़ा साइड हो जाओ, भीड़ में थोड़ा। मुकेश यादव को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कि सफल प्रोग्राम किया है। और ये प्रोग्राम कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये समाज के लिए प्रोग्राम है ये, और समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए काम है कि किसी की आंखों में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी निःशुल्क सेवा करना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और इस समाज को सही दिशा देने के लिए इस तरह के प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है और उसमें आप हम सभी की भागीदारी बहुत बड़ा मायने रखता है। आप सभी ने इसमें कीमती समय निकाला, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है। साथ ही
अनिल भोई जी जो काफ़ी बिजी रहते हैं, सरपंच साहिबान जो काफ़ी बिजी रहते हैं, सभी ने इन प्रोग्राम को एक नया आयाम दिया है। प्रोग्राम को एक नया आयाम दिया है तो इन सभी का दिल से धन्यवाद है। किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए कि कोई ना कोई बहाना चाहिए और भाई बाल किशन कोलाना ने अपने नवासा के जन्मदिन पर, आप देखो किसी को अपना जन्मदिन मनाने के लिए कोई भी घर में केक काट सकता है, सिंपल से प्रोग्राम कर सकता है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने नवासा के जन्मदिन पर मैं लोगों की सेवा करूं और लोगों को एक बच्चे के रूप में विशेष आशीर्वाद मिल सके, इसकी उन्होंने कामना की है। तो हमारे सबकी तरफ से भी उस जो छोटे से बच्चे का जन्मदिन है उसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम सभी एक बार उस बच्चे को सभी दिल से हैप्पी बर्थडे विश करें। सिद्धार्थ को हैप्पी बर्थडे, सभी उसको आशीर्वाद दें। यही मैं प्रोग्राम का चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई आयोजक का बहुत धन्यवाद दूँ कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया आयोजन किया है, बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया है और ऐसे ही सेलिब्रेशन होने चाहिए जन्मदिन के। और साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि ये आई कैंप जो आज लगा है इसको या तो वार्षिक रूप दिया जाए या हर 6 महीने में एक ऐसा कैंप लगाया जाए और हर 6 महीने में हम सब मिलकर इसको कंट्रीब्यूट करेंगे और मिलकर इसको चलाएंगे। तो ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी समझ है। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद है। वासियों से कहें और कहीं ना कहीं फिर महाराज जी को सभी अतिथिगण जो भी हैं वो महाराज जी को टोकन ऑफ लव देके आज का जो मोमेंट है वो देके उनका स्वागत करें। महाराज जी हनुमान जी महाराज की जय हो। बाल किशन जी का और आर्मी स्कूल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और ये भगवान से मनोकामना करता हूँ कि ये दोनों दिन रात तरक्की करें और इनके परिवार में सुख शांति रहे और जीवन में ये अच्छी अच्छी ऊंचाइयाँ छूने का काम करते रहे। जो यहाँ पर प्रतिनिधि है मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ जो ये साथ देने का काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का जो आदमी काम करता है उसके साथ अनिल प्रोहित जी बिल्कुल तन मन धन के साथ तैयार है। मेरे लाइक ज्योति सेवा हो बाल किशन जी और मुकेश जी, आप जैसा चाहोगे वैसी मैं मदद करने के लिए समाज के लिए तैयार कभी भी। और जो बच्ची के माँ बाप ना हो उस बच्ची की शादी के लिए सिद्ध सेवा धाम के रास्ते खुले हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 49 शादियां करवा चुका हूँ गरीब बच्चियों की और हजारों की तादाद में लोगों को फर्नीचर की मुहैया की, परंतु यदि जो बच्ची के माँ बाप नहीं है उसके यदि 5 लाख या 7 लाख या 10 लाख रुपए लगे सिद्ध सेवा धाम के दरवाजे खुले हुए कोई भी आ सकता है। और जो गरीब स्थिति है बिल्कुल बेसहारा है वो कोई भी गांव के 5 आदमी लेकर आ जाए और ये कहे कि हाँ गरीब है तो वो कहीं का भी हो, जी वो अलवर का जिले का हो जी हरियाणा का हो, उसके लिए फिर फर्नीचर निःशुल्क दिया जाएगा। उनके लिए महाराज जी हमेशा जो उनके तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है वो हमेशा करेंगे, चाहे वो 5 लाख की हो चाहे 10 लाख की हो, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो भी मदद के लिए जब भी जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जाकर उनसे कभी भी हेल्प मदद ले सकते हैं। तो मैं सभी ग्रामीण वासियों से और आज के जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत किया जाए। आज की थोड़ी समय की महाराज जी की व्यवस्था थोड़ी कमी हुआ है तो अभी मैं सभी अतिथिगण से अनुरोध करूंगा कि और डायरेक्टर मैडम मुकेश यादव जी से अनुरोध करूंगा और बाल किशन जी से भी अनुरोध करूंगा कि महाराज जी का स्वागत किया जाए। रविंदर आज भाई आज भाई
आज के जो अतिथि गण है उनको भी चाहूंगा कि सम्मानित अभी किया जाए, क्योंकि महाराज जी के साथ साथ सभी को सम्मानित किया जाए, सबकी इच्छा यही है। तो आज के जो अतिथि गण है जो भला नहीं है उसे बेहतरीन वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और जहाँ बात आती है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जब वो जब बाहर जाते हैं तो हमें जो अपना पर यहाँ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और जो मैन जी का आशीर्वाद मिला है अपने क्षेत्र के लोगों को, काबीरों का जो विशेष आशीर्वाद मिला है उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं यही आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हम बैठे हैं यहाँ आरबीआर स्कूल के जो डायरेक्टर हैं मुकेश जी, जिनके संदर्भ में ये काम हुआ, जिनकी देखरेख में आज ये जो कैंप का आयोजन किया गया, और इस तरह की एक अच्छी पहल समाज को एक संदेश देने के लिए इन्होंने रखी और उनको काफी सपोर्ट किया और आज ये कार्यक्रम सफल हुआ। तो हम बात करवाएंगे यहाँ आरबीआर स्कूल के डायरेक्टर मैडम मुकेश जी से कि किस तरह से ये ख्याल आया और किस तरह से सामाजिक कामों में भी भाग लेते रहते हैं, एक बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ समाज को भी काफी कुछ देने का काम कर रहे हैं। तो हम सुनेंगे इनके विचार और बात करेंगे आज के इस कैंप के बारे में भी और इनके स्कूल में भी कि बच्चों को क्या कुछ अलग से दिया जाता है जो और स्कूलों में नहीं होता। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मैम, जो आज ये कार्यक्रम किया गया जो आंखों का कैंप का, एक बहुत ही अच्छा काम था समाज के लिए, तो क्या कहेंगे इस बारे में, कैसे विचार बना आपका और किस तरह से आपकी सपोर्ट रही, कितने कुछ मरीज इसमें देखे गए आज? सर, मेरा नाम मिसेस मुकेश यादव है। मैं स्वतंत्रता सेनानी राव बंसीराम की बेटी हूँ, और क्योंकि मेरे भाई नहीं है तो मैं मेरे पिताजी के नाम से स्कूल चला रही हूँ लगभग 20 साल से जी। और आज से 11 साल पहले जब पिताजी गए थे तो मेरे मन में यही आया कि आज के दिन कम से कम रोने की बजाय वो कार्य करूं जो बेटे करते हैं, ताकि मेरे पिता के मन में भी ना आए कि मेरे कोई बेटा नहीं था, और जिन माँ बाप के बेटियां हैं तो उनके मन में भी ना आए कि अगर हमारे बेटे होते तो ये होता जी। तो आज से 11 साल पहले जब पिताजी गए थे तो उस समय पिताजी को आर्थिक कंधा देना मुखाग्नि वो मैंने दी थी, फिर पूरे समाज ने मिलकर पगड़ी भी, बेटे वाली पगड़ी मेरे को पहनाई थी जी। तो ये चीज कुछ नया करने का जज्बा तो बिल्कुल स्टार्टिंग से पिताजी और माताजी से सुनाया सीखा है, तो एक बेटी के रूप में वही काम करने की कोशिश करती हूँ जो बेटे करते हैं जी। और लगभग पिछले 20 साल से सामाजिक कार्यों की बात करें तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के, वो पिछले 20 साल से चला रहे हैं, विभिन्न गांवों में बहुत सारे चल रहे हैं जी। और महिलाओं से रिलेटेड जैसे ई श्रमिक कार्ड वगैरह बनवाए थे पीछे, तो जो सामाजिक कार्य होते हैं या महिलाओं को कोई भी आर्थिक सहायता हो या बेटियों की निशुल्क शिक्षा हो, स्कूल के अंदर बहुत बच्चों की निशुल्क शिक्षा चलती रहती है, कोई बच्चे इस लायक है तो। हाँ, एक कैंप का है अब की बार, भाई बाल किशन कोलाना है, इन्होंने मन बनाया था कि अब की बार निशुल्क एक आँखों का कैंप लगवा दें जी। बाल किशन जी हमारे पास DP की पोस्ट पर बच्चों का स्कूल का अनुशासन का ध्यान रखते हैं, खिलाते हैं, तो बाल किशन जी सामाजिक कार्यों में भी हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि बहन जी क्यों ना हम ऐसा करें, और हमने सब ने मिलकर इनके देवते के जन्मदिन के ऊपर और ये आयोजन करने का विचार किया, क्योंकि इस क्षेत्र में अगर हम बात करें ना तो चाहे तो बुजुर्गों की सेवा की बात हो, चाहे बहन बेटियों के भाई तीज त्यौहार देने की बात हो, तो बाल किशन भाई हर जगह आगे बढ़ के आते हैं जी। तो फिर ये आज का आयोजन इसी वजह से था कि लोगों को क्यों ना आंखों से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं उनको दूर करवाया जाए और निशुल्क कैंप लगाया जाए जी। और इसमें लगभग 150 के करीब मरीज आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और विचार ये है कि इस प्रकार का आयोजन हम 3 महीने में या 6 महीने में हर हालत में करते हैं जी। बात करें स्कूल की हम, कि आपके स्कूल के भी काफी चर्चे आई जगह होते रहते हैं कि स्कूल में बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो किस तरह की ऐसी सुविधाएं आपने स्कूल में बच्चों को दी हुई है जो एक हर आम स्कूल में नहीं होती? सबसे पहले तो लगभग 2013 से हमने यहाँ पे कोचिंग की क्लासेस देनी स्टार्ट की थी, लगभग 9-10 साल हो गए। एक तो बॉक्सिंग की, ताइक्वांडो की क्लासेस, उस समय इंटरनेशनल लेवल तक भूटान तक हमारे बच्चे खेल के आए खेलों के अंदर, तो लगातार बॉक्सिंग की क्लासेस रहती हैं। फिर 2015-16 में 15-16 के अंदर हमने ये मन बनाया कि सैनिक स्कूल नवोदय मिलिट्री स्कूल की स्पोर्ट्स स्कूल राय की कोचिंग दें, तो लगभग 2015-16 से हमने स्टार्ट की थी।
और अब तक हमारे 68 बच्चे 68 बच्चे सैनिक स्कूल में क्वालिफाई कर चुके हैं। लगभग 31 बच्चे हमारे नवोदय स्कूल के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और लगभग 29 बच्चे हमारे मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं जी। तो अगर बात करें IITN की तो क्षेत्र का पहला IITN भी RBR स्कूल का एक छात्र है, कृष्ण नाम का बच्चा है जो एक बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर अभी काम कर रहा है जी। इसके बाद डॉक्टर्स की बात करें तो RBR स्कूल का एक जनरल बच्चा डॉक्टर भी बन चुका है और अभी पिछले साल की बात करें तो पिछले साल साउथ हरियाणा के अंदर 99% अंक लेकर यानी 500 में से 495 अंक लेकर 10वीं क्लास की हमारी छात्रा खुशबू है वो साउथ हरियाणा में सेकंड पोजीशन पर रही है जी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी उनको सम्मानित किया है कैश प्राइज के साथ और विशिष्ट पुरस्कार मिला है हमें बोर्ड की तरफ से भी। तो बच्चे लगातार आगे आ रहे हैं जी। थैंक यू। और कुछ कहना चाहेंगे मैम, कुछ समाज को कुछ संदेश अपनी तरफ से देना चाहेंगे आप? सर देखो, बच्चों की शिक्षा और संस्कार सबसे बड़ी बातें होती हैं, ठीक है। तो जो स्कूल शिक्षा संस्कार के ऊपर काम करता है, मैं ये नहीं कहती कि मेरा स्कूल सारे के सारे, हम पुण्य सीख के सभी प्रयास करते हैं ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कहीं अगर कमी लगे समाज के अंदर तो हमें आगे बढ़ के सुझाव देना चाहिए। और मैं हर उस पेरेंट से बात करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि हम ये करते हैं वो करते हैं, मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ करें तो मेरे को सुझाव दें, क्योंकि अब की बार मुझे लगा कि बच्चे हमारे प्रिंस में सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि प्रिंस से कोई फैकल्टी मेंबर हमारे पास आ जाए ताकि उसके अनुसार ही हम काम कर सकें। तो रविंद्र सर है हमारे पास, प्रिंस की फैकल्टी एक्स फैकल्टी हैं, तो उनके साथ साथ मिलकर अब की बार हमने कोचिंग का एक शेड्यूल बनाया है। तो तीसरी चौथी पांचवी क्लास में तो पहले कोचिंग होती थी, अब की बार तीसरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के सारे स्कूल को हमने कोचिंग में कन्वर्ट कर लिया है। तो बच्चे स्कूल की जो बुक्स हैं उनको लगभग 1 बजे करीब हम फिनिशिंग करवा देते हैं और 1 बजे से 3 बजे तक का हमारी जो क्लासेज होती हैं वो कोचिंग के ऊपर डिपेंडेड होती है। तो कोचिंग में जी के करवाया जाए, उसके बाद NTSC की प्रिपरेशन करवाते हैं, IIT JEE की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, नवोदय सैनिक स्पोर्ट्स स्कूल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, यानी हर बच्चे को वो चीज़ दें जो सामान्य स्कूलिंग के साथ नहीं मिलती और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही साथ हम शिक्षा के पढ़ाई के साथ साथ हम लोग खेलों के अंदर भी बच्चों की लगातार क्लासेज लगते हैं जी। थैंक यू।